नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संगीत प्रभा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक यूट्यूब पर ही हमारे ही चैनल पर एक वीडियो रिलीज़ किया, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से मैं फ्री ऑडियो लूप्स और फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रहा हूँ गूगल ड्राइव पर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों ने उसे बहुत लोगों तक पहुँचाया, ये मेरे लिए आप लोगों ने मदद की है। वो ऑडियोज़ प्रोवाइड कर कर या वो पीडीएफ्स प्रोवाइड करके मैंने तो एक छोटा सा फ़र्ज़ निभाया, लेकिन आप सभी लोगों ने उस वीडियो में इतने व्यूज़, इतने कमेंट्स देकर उसे बहुत लोगों तक पहुंचा कर मेरी मदद कर दी लोगों की मदद करने में। सो सबसे पहले उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो भी उसी टॉपिक का एक एक्सटेंशन है। हुआ यूँ कि उस वीडियो को देख कर कुछ लोग समझ नहीं पाए कि उस लिंक तक पहुंचना कैसे है, और कुछ लोग ये नहीं समझ पाए कि पहुंच तो गए मगर अब इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं वो लिंक उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग भी वो लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स में, या जो भी आप जानते हैं जिनको उनकी ज़रूरत हो सकती है, उनको प्रोवाइड कीजिए। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो कुछ लोग समझ नहीं पाए कि वो पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगी फ्री में। उसके बावजूद, वो लिंक प्रोवाइड करने के बावजूद लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप पीडीएफ भेज दीजिए अलग से। तो आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ उस लिंक को कि कैसे उस पर कहाँ कहाँ ऑडियोज़ हैं और उन ऑडियोज़ के साथ कैसे रियाज करना है, कौन सी पीडीएफ हैं, उस पीडीएफ को कैसे समझना है और वो आपके किस काम आएंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा उसके लिए। सुनी मैं हरी आवन की आवाज, सुनी मैं हरी आवन की आवाज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो पेज है जो आपके सामने ओपन होता है जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, जिसमें अलग अलग फोल्डर्स बने हैं। आप देख सकते हैं, आप लैपटॉप पे खोलेंगे तो अलग हो सकता है खोले, लेकिन लगभग यही फॉर्मेट रहेगा। बुक्स, अलंकार लूप्स, ए शार्प अलंकार लूप्स, सी अलंकार लूप, जी शार्प, एफ शार्प, एफ, सी शार्प, और फिर अलंकार ऑन पियानो, राग नोटेशंस, सॉन्ग कराओके ट्रैक्स, सॉन्ग नोटेशंस एंड ताल प्रैक्टिस लूप्स। ये फ़िलहाल आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा ये लिंक। अब इन में से सबसे पहले हम बुक्स को ही खोलेंगे, पहले पर हम जाते हैं। तो आप देखें, इसमें अलग अलग बुक्स हैं, टॉपिक पड़े हुए हैं, अभिनव गीतांजलि, अलंकार पलटे, काउंटिंग पीडीएफ, इंग्लिश अलंकार पीडीएफ, एक्स्ट्रास, क्रमिक पुस्तक, मालिका, राग परिचय, ताल पीडीएफ, और कुछ ऐसे ही सेपरेट पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा कि संगीत में जो सिलेबस होता है वो शुरू स्वर ज्ञान से होता है, कि आपको मालूम हो कि आपका पिच क्या है गायन का। स्पेशली जो सिलेबस है वो वहाँ से शुरू होता है कि गायन में आपका कौन सा पिच है, कहाँ से आपको गाना है। आप पहले काले सुर से गाते हैं, दूसरे काले सुर से गाते हैं, या महिलाएं या छोटे बच्चे हैं तो चौथे काले और पांचवे काले से गाते हैं। इनके स्पेशली नाम हैं, जो अंग्रेज़ी में वेस्टर्न म्यूज़िक के अनुसार सी पहले सफ़ेद को कहते हैं, जो मेरी उम्र के जितने लोग हैं या मुझसे थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं लोग हैं उनको वो सुर सूट करता है, वहाँ से वो गा सकते हैं। कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि मैं तो पहली काली से गाता हूँ तो पहली सफ़ेद से कैसे गाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। पहली सफ़ेद से भी उतना ही इफ़ेक्टिव है, कोई ख़राब नहीं है उसमें, है ना। फिर आप अगर छोटे बच्चे और महिला हैं तो आप चौथे काले या पांचवे काले यानी जी शार्प और ए शार्प से गा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अलंकार लूप्स ए शार्प, अलंकार लूप जी शार्प, जो दूसरा और चौथा फोल्डर है वो महिलाओं और छोटे बच्चों का है। अलंकार लूप्स एफ शार्प, ये थोड़ी सी बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए हैं जिनकी आवाज़ थोड़ी बैठ चुकी है, थोड़ा गला दब चुका है, थोड़ी आवाज़ और सांस में दम कम हो चुका है, उनके लिए ये सुर जो है वो सूटेबल होता है। एफ़ भी उन्हीं के लिए है। एफ़ में और सी शार्प में अभी मैंने कुछ ज़्यादा ऑडियोज़ बनाए नहीं है, क्योंकि एफ़ शार्प में बना दिए थे तो एफ़ में बनाने की ज़रूरत नहीं लगी, और सी में बना दिए थे तो सी शार्प में बनाने की ज़रूरत नहीं लगी। और साथ ही साथ ए शार्प, सी और जी शार्प, एफ शार्प, इनमें वीडियो भी मिलेगा हारमोनियम पर बजाने के लिए, अगर इन लिंक को खोलेंगे। खैर, सबसे पहले बुक से शुरू करते हैं। बुक्स में आप देखेंगे अभिनव गीतांजलि। अभिनव गीतांजलि जो है, अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये कोई मेरी किताबें नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, मैं इनका क्रिएटर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ इनका संकलन किया है, यानी इनको कलेक्ट किया है। एक्चुअली मैंने भी क्या किया, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मुझे किसी सज्जन ने एक लिंक भेजा गूगल ड्राइव का, जिस पर ये कुछ पीडीएफ्स अपलोड करके उन्होंने मुझे दी थी, जैसे कि अभिनव गीतांजलि, राग परिचय, क्रमिक पुस्तक मालिका, और ये जो एक्स्ट्राज का फोल्डर है जिसमें भातखंडे साहब की कुछ किताबें हैं और भी भारतीय संगीत का इतिहास, रविंद्र संगीत, राग परिचय की,
और भी किताबें, संगीत समय असार, सितार मालिका, ऐसी कई किताबें उन्होंने इस पर अपलोड करके मुझे दी थी, तो मैंने वो डाउनलोड करके अपने गूगल ड्राइव लिंक पर अपलोड कर ली, अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड कर ली, ताकि इन फ्यूचर मैं किसी स्टूडेंट को दे सकूं। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी किताबें, कुछ पीडीएफ्स। उसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं अलंकार पलटे, इसमें आपको डिफरेंट पलटे मिल जाते हैं, ये ज़रूर मेरे क्रिएट किए हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर पलटे तो भले ही मैंने बनाए हों, कुछ जो हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, वो लोगों के गाए बजाए हैं, जो किताबों में वर्णित हैं या जो गुरुओं से सीखे हैं वही है इसमें। जैसे मेरुखंड है इसमें, मिश्र का जो मैंने पहले भी बताया था, कौशिकी चक्रवर्ती जी का एक अलंकार का वीडियो मिला था, वो मैंने उसको एक्सटेंड किया, उसमें एक अलंकार था, मैंने उसके 3-4 पलटे और बना लिए थे। और बाकी ज़्यादातर पलटे ऐसे हैं जो चलन के पलटे ही हैं, वो इसमें मैंने लिखे हुए हैं हिंदी में। और सेम ऐसा ही फोल्डर आप बगल में देखेंगे इंग्लिश अलंकार, जो ये पलटे मैंने अंग्रेज़ी में, रोमन स्क्रिप्ट, जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, देवनागरी पढ़ना नहीं आता, उसके लिए ये पलटे ज़रूर मेरे बनाए हुए हैं। पीडीएफ्स पलटों की मेरी बनाई हुई है। काउंटिंग ताल पीडीएफ आप देखेंगे तो ये भी मैं एक लिंक अभी नीचे और दिया था पिछली बार भी, जो मैंने ताल के रियाज के लिए दिया था, ये पीडीएफ्स उसके साथ काम आएंगी, जिसमें मैंने अलग अलग तालों को गिनती में खास करके लिखा हुआ है और उनको अलग अलग लयकारियों में, ठाह, दुगुन, तिगुन, चौगुन, छगुन, सातगुन, आठगुन में लिखा हुआ है वजन अनुसार। उसके बाद ये ताल पीडीएफ भी ज़रूर मेरी बनाई हुई है, इसमें कुछ ताल, दीपचंदी, अद्धा, तीन ताल और जातियाँ, उनकी जानकारी है, कुछ तालों के बोल हैं। फिर ये 10 थाट की पीडीएफ भी ज़रूर मेरी बनाई हुई है। ये रागों की समय चक्र वाली पीडीएफ जो है, ये जो आप देख सकते हैं, ये भी मेरी ही क्रिएट की गई है। लॉकडाउन में मैंने मेरे ख्याल से ये क्रिएट की थी और रिलीज़ की थी, जिसमें अलग अलग रागों का, जो कुछ लगभग कुछ 150 रागों का इसमें क्रम है, जिसको मैंने अलग अलग अंग अनुसार, अलग अलग थाट अनुसार बांट दिया, जो भातखंडे साहब ने अपनी किताबों में किया है, उसी को मैंने इसमें वर्णित कर दिया था, एक संकलन कर दिया, ताकि ईजी टू पता करना हो कौन से थाट का कौन सा राग है और किस समय गाया जाता है, तो वो इसमें पता चल गया था। तो कुल मिला के आपकी जो शुरुआत होगी इस किताब में, वो यहाँ से होगी कि अलंकार पलटे वाला लूप्स आप खोलेंगे, जो पीडीएफ हैं, और ये सारी पीडीएफ आप चाहें तो लिख लें, नहीं तो इसमें अवेलेबल है, मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं, चाहें तो सेफ साइड के लिए डाउनलोड कर लीजिए, अगर किसी को लगता है ये लिंक हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा तो। और इसमें आप देख सकते हैं बेसिक के पलटे, ये पलटे आपके सामने लिखे हुए हैं, जो जो पलटा इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये बल के अलंकार लिखे हुए हैं, जैसे ये लीपिंग अलंकार लिखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के अलंकार इसमें, अलग अलग पलटे इसमें लिखे हुए हैं, इन्हीं पलटों को मैंने आपके सुर अनुसार, जैसे ये अलंकार सी लूप्स खोला, आप देखें सेम टाइटल इसमें पड़े हुए हैं, जो अलंकार की पीडीएफ थी वही मैंने इसमें गाए हुए भी हैं, ये बेसिक से हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले तो वो पीडीएफ भी इसमें अवेलेबल है बाय द वे, हर एक फोल्डर में, कि जैसे ये अलंकार की पीडीएफ है वही बेसिक वाली। उसके बाद उसी का वीडियो है सेकंड वाला, जिसमें मैंने बजाना सिखाया है कि कैसे इसको सी पिच से बजाएंगे इन्हीं 7 अलंकारों को, और फिर एक एक करके इसमें ऑडियोज़ हैं, 40, 60, 80, 100, 150, 200, अब ये क्या हैं, ये हैं बीपीएम, बीट पर मिनट, यानी गति, कौन सी स्पीड में, कौन से टेम्पो में मैंने गाया है। 40 बीपीएम से मैंने गाना शुरू किया है, कि 40 की गति से इसी अलंकार को गाएंगे, फिर इसी अलंकार को, ये जो 7 अलंकार हैं इन्हीं को 60 की गति में थोड़ा तेज़, फिर 80 की गति में, मैं आपको गा के भी सुना देता हूँ कि किस तरह से आप इनके साथ गाएंगे। सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा तरह से आप इनके साथ स्वर और आकार दोनों में गा सकते हैं। अभी मैंने 40 बीपीएम सी पिच से बेसिक अलंकार को गा के दिखाया। इसी तरह से आप सारे अलग अलग पीडीएफ्स में, अलग अलग फोल्डर्स को खोलें, अलग अलग पीडीएफ्स को देखें, अलग अलग स्पीड में गाकर देख लें। इसी तरह से सारे अलंकार, ये मिश्र का है, ये थोड़ा सा कठिन है, ये जटिल वाले अलंकार हैं, है ना, कॉम्प्लिकेटेड थोड़े, इनको भी मैंने उसमें गाया हुआ है। फिर आप आ जाएं आगे, इसमें मेरुखंड का भी फोल्डर मिल जाएगा। फिलहाल मेरुखंड मैंने सिर्फ 2 सुरों से इसमें गाकर रख रखा है, सी पिच और चौथा काला जी शार्प से। आगे आने वाले समय में मैं और भी उनसे गा लूँगा, वो आपको बता दूंगा। ये देखिए, इनफैक्ट सी पिच में मैंने थाट रियाज भी अलग से अपलोड किया हुआ है, कि इंडिविजुअली आप अलग अलग थाट का रियाज करना चाहें वो भी इसमें अपलोडेड है, थाट की जानकारी भी है।
अब इस सब की जांच के लिए तो ऑफकोर्स आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन ये अगर आपको ऑलरेडी आता है या कहीं आप सीख रहे हैं वो थोड़ा बहुत, तो ये आपके ज़रूर मदद हो सकती है, इतना मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। तो ये जो बुक्स हैं आपने देख ली कि अलंकार पलटे वाले तो ये हैं और इंग्लिश में भी यही हैं, ताल की भी यही हैं। अब आ जाइए, आपको राग की जानकारी कहाँ से मिलेगी। कई लोग बोलते हैं कि आप राग की जानकारी दे दीजिए। एक मैं आपको बताऊँ, हमारी जो किताब है स्वरांगिनी, जो मेरे पिताजी द्वारा, उसमें लेखन भी है और संकलन भी है, उस किताब के कंटेंट्स के बारे में यानी उसमें क्या क्या है मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ। उसमें अलंकार पलटे हैं, उसमें मॉर्निंग वोकल रियाज के बारे में जानकारी दी गई है, उसमें रागों के बारे में भी जानकारी है। रागों के बारे में जानकारी कैसे है कि चुनिंदा रागों का उसमें परिचय है, आश्रय रागों का, जन्य रागों का कई परिचय है, और उसमें बंदिशें हैं, और उसमें सरगम गीत, बड़ा ख्याल, वो सब कुछ है, और आलापताने भी लिखी हुई हैं। वो आलापताने तो खैर मेरे पिताजी की खुद की बनाई हुई हैं, बंदिशें भी उसमें कुछ कुछ मेरे पिताजी की बनाई हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदिशें जहाँ से ली गई हैं वो लिंक मैंने आपको दे दिया है, जो है ये क्रमिक पुस्तक मालिका। क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे साहब की बनाई हुई 6 किताबें हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसमें अलग अलग रागों की अलग अलग बंदिशें जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये कोई मेरी बनाई हुई किताब नहीं है, ना मेरी स्कैन की हुई कॉपी है, ये मुझे मिली थी जो मैंने आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए अपलोड करी है। आप देख सकते हैं इसमें थाट की, राग की, इसमें भी कुछ अलंकार पलटे वगैरह भी हैं, कुछ थियोरेटिकल नॉलेज है, आप देख सकते हैं इसमें आगे रागों की भी ये बंदिशें, ये देखिए इसमें अवेलेबल हैं। ये सारी ही इनमें से चुनिंदा बंदिशें जो हैं स्वरांगिनी में हैं, और उसमें आलापताने हैं जो हमारा सिलेबस है। आलापताने ज़रूर आपको पिताजी की बनाई हुई उसमें मिल जाएंगी। अब इसी तरह से जितनी भी रागें आपको चाहिए, देखिए भाग 6 तक जाएंगे तो आपको कुछ रेयर रागें, कुछ एडवांस लेवल जिसको लोग कहते हैं, ज़्यादातर एडवांस लेवल, ऑल्दो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि एडवांस लेवल का कुछ होता है रागों में, लेकिन एडवांस लेवल की या अगर आप कहते हैं जैसे मुश्किल रागें, कुछ ऐसी रेयर रागें, वो इसमें ज़रूर मिल जाती हैं। भाग 6 है, जैसे भाग 5 है, इनमें ये आपको देखने को मिल रही है, पूरब, पूर्व, कल्याण, मालीगौरा, जैत, वराटी, ऐसी कुछ रागें हैं, और इनमें भी बंदिशें हैं और ताले भी हैं, इसमें सब अवेलेबल हैं। आप देखें इसमें कुछ तालों की सूची भी है ना, ये ब्रह्मताल, गजजंपा, शिखर, मत, ये कुछ ऐसी ताले हैं जो रेयर हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप राग परिचय पर। राग परिचय वो किताबें हैं, आप ध्यान से देखेंगे, जिनमें राग का परिचय है, यानी सिर्फ उनके बारे में, उनका आरोह व पकड़, उनके मत भेद, यानी दो रागें अगर सिमिलर हैं तो कैसे हैं कैसे नहीं हैं उनकी जानकारी, और कुछ चुनिंदा आलापताने भी उनमें बनाकर रखी गई हैं, समता विभिन्नता बताई गई हैं। ये एग्ज़ाम पर्पस से भी बहुत अच्छी किताबें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। अगर आप गंधर्व महाविद्यालय का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं भातखंडे साहब की जो यूनिवर्सिटी है उसका एग्ज़ाम देते हैं, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, या हरिश्चंद्र जी श्रीवास्तव साहब की लिखी गई किताबें हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो जो इसमें शास्त्र है, अलग अलग टॉपिक्स हैं। इवन देखिए आप, ये अलग अलग रागें आपको दिख रहेंगी, ये भैरवी, ये अलैया बिलावल, ऐसे करके आपको इसमें सब देखने को मिलेगा, देश, उनकी रागों की जानकारी। तो परिचय यहां मिलेगा, क्रमिक पुस्तक मालिका में बंदिश मिलेंगी, और इसी में आलापताने भी मिलेंगी, तो सब इसमें अवेलेबल है। अगर आप स्वरांगिनी नहीं भी ले पाते हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो यहां वो चीज़ें अवेलेबल हैं। बस स्वरांगिनी की कीमत इसीलिए है क्योंकि वो मेरे पिताजी की मेहनत है। मेहनत कैसे है कि उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स को संकलन करके एक सीक्वेंस में जमा के एक किताब का फॉर्म दिया है, जो हम पहले निशुल्क दिया करते थे, आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसकी पीडीएफ हम लोग निशुल्क दिया करते थे, अब उसका एक शुल्क आ गया है। क्यों? क्योंकि वही जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब तक किसी चीज़ की कीमत ना हो ना, तब तक उसकी कीमत नहीं होती है, यानी जब तक उसका मूल्य ना लगाया जाए तब तक उसको आप पूछेंगे नहीं कि इसमें क्या खास बात है, तो फ्री में मिल रहा है। जैसे कि मैं ये सब दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग तो जानते हैं, इसकी अहमियत समझते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस, महत्वता समझते हैं कि कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं ये, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं फ्री में मिल रहा है मतलब बेकार होगा। ऐसा नहीं है, हर फ्री में मिलने वाली चीज़ बेकार नहीं होती, जैसे कि एडवाइस लोग फ्री की देते हैं, खैर। तो इसमें ये आपको पीडीएफ्स मिल गए मेरे ख्याल से। अब आगे आगे आने वाले सारे लूप, तो इसमें 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 7 या 8 तक तो जो फोल्डर्स हैं वो सारे अलंकारों के हैं। फिर आ जाइए राग नोटेशंस पे। ये वो राग नोटेशंस अगर मैं बताऊं तो ये वो है कि इसमें कुछ कुछ बंदिशें ऐसी हैं चुनिंदा जो मेरे दादा गुरुजी की हैं, या किसी प्रसिद्ध कलाकार की जो मैंने अपनी क्लासेस में सिखाई होंगी कभी, उनके बारे में, उनकी तस्वीरें, उनके लिखे हुए, वो सब इसमें एडवांस थोड़ा सा बंदिशें हैं, और उनको सिखाने का बारीक थोड़ा सा स्लो मोशन में कि एक एक सुर को बताते हुए, जैसे ये चारुकेशी अगर आप खोलते हैं इसमें ये बंदिशें लिखी हुई हैं, जैसे ये मेरी हैंड रिटन ही है, खुद मैंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, वही है ये कुछ आलापताने हैं जो मेरे दादा गुरुजी ने ही बनाई हुई हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इनके ऑडियोज भी नीचे अवेलेबल हैं, आप देखें, आओ महाराज इसकी बंदिश का नाम है, इसी तरह से राग गोरख कल्याण, ये इसके ऑडियोज अवेलेबल हैं,
ये इसका रिटर्न मटेरियल अवेलेबल है जिसमें कि बंदिश भी है और आलापताने भी है ये इसी तरह। तो ये कुछ कुछ एडवांस मटेरियल है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से और मुझे चेक करा सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसके बाद आ जाइए आप अगले फोल्डर में जो है सॉन्ग कराओ के ट्रैक्स, अभी इसमें तीन ही अवेलेबल हैं और भी हम लोग अपलोड कर देंगे। ये हमारा मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे गीत आते हैं जो हैं उनके ट्रैक्स हैं। उसके बाद सॉन्ग नोटेशंस हैं, ये कुछ मेरे पिताजी के लिखे गए बनाए गए या कुछ मेरे हैं इनमें और कुछ हो सकता है एक आध कुछ अलग हो, जैसे तुम्हारा हिज्र जो है जॉन साहब की गज़ल है लेकिन कॉम्पोजिशन मेरी है। इनके लिरिक्स एंड नोटेशंस वो अवेलेबल हैं, गाने आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से। फिर ये ताल प्रैक्टिस के लिए कुछ ऑडियो लूप्स हैं, ये आप देखें ये अलग अलग। ऐसे ही मैंने वीडियो लूप्स का भी लिंक दिया था जिससे के साथ आप जो है ताली लगा कर कर सकते हैं और वो आपको जो ताल की पीडीएफ्स नहीं वो मदद करेंगी। तो मेरे ख्याल से ये लिंक मैंने आपको समझा दिया है। इस लिंक पर इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं कि इसके साथ आप आराम से घर बैठ के काफ़ी रियाज कर सकते हैं और बाकी तो क्लास ज्वाइन कर ही सकते हैं, है ना। रेगुलर लिंक जो है आ ही रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है लिंक, कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगा, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मैं वहाँ भी प्रोवाइड कर दूंगा और क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ये लिंक एक्सप्लेन किया, अब इसके साथ आपको रियाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लासेज में भी मैं ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से रियाज कराता हूँ और जाँच करता हूँ बैठकर, और यही ग्रुप क्लास में भी होता है। ग्रुप क्लास में यह है कि मेरे पिताजी, अभी फ़िलहाल मैं ग्रुप क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि पर्सनल क्लासेस में मेरा थोड़ा समय ज़्यादा चला जाता है और भी रिकॉर्डिंग्स में है और भी प्रोग्राम्स वगैरह में समय थोड़ा मेरा ज़्यादा जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, जल्द मैं वहाँ भी अवेलेबल हो जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं पर्सनल क्लास लेता हूँ, वन ऑन वन आधे घंटे के एक घंटे के सेशंस होते हैं, हफ्ते में एक दिन दो दिन तीन दिन, सबका अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह है जो वो क्योंकि वो बदलता रहता है, इसीलिए यहाँ बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि अभी बता दूंगा फिर वो फिक्स आप बोलोगे कि आपने तो उसमें ये बताया था और अभी ये हो रहा है, क्योंकि समय अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, शेड्यूल भी बदलता रहता है। तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ मैं बता ही दूंगा। तो मेरे ख्याल से आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एंड संपर्क करें मुझे व्हाट्सएप पर, कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, मैं हर बार कहता हूँ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए, वहाँ मैं आपसे बातचीत करूँगा। और भी को अगर कुछ सहायता होगी, मदद होगी, अगर आप कोई सवाल है उससे रिलेटेड, मेरे पास कोई वीडियो होगा क्योंकि 2500 वीडियोज़ हैं, 12 साल हो गए हमारे चैनल को, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कॉन्टेंट हमने बना लिया है जो आपके काम का है, जो आपके सवालों का ऑलरेडी हल जवाब देता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ हैं कि आप इनके साथ काम करें। मेरी ऐसी कामना है, ऐसी मैं आप मंगल कामना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि ये लिंक आपके काम आए, और भी मैं इस पर कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, देखते रहें, इसी तरह कुछ ना कुछ मैं नया लाने की कोशिश करता रहूँगा। शुक्रिया।